नमस्कार दोस्तों, आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में पूरे नियम बता दिए हैं कि किस तरह से पत्र करना है, किस तरह से ध्यान में रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली शुरुआत करेंगे पत्र को। आप पहला वीडियो देख सकते हो यदि आपने देखा नहीं है तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा पत्र है, स्वविद्यालय से वर्णनम कुर्वन मित्रम प्रति लिखितम पत्रम मंजूषा प्रदत्तई ही शब्दई ही पूरयत। तो आपको मित्र को पत्र लिखना है और मित्र को पत्र लिखते समय आप अपने खुद की विद्यालय का वर्णन कर रहे हैं। और एग्जाम में आपको तो फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह ही होता है, तो आपको सिर्फ जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वो पूरे करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो बहुत आसान पत्र होता है और ये जो पत्र है ये 2017 में आ चुका है CBSE एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पत्र आप पॉज कीजिए, मतलब अभी ये पत्र आप पूरा देख लीजिए और अपने मन से आपको जैसा आता है वैसा लिखने की कोशिश कीजिए। और अभी इसे पॉज कीजिए और एंड में, मतलब इस वीडियो के एंड में सभी के आंसर मीनिंग के साथ में बताऊंगा, मगर आप अभी पॉज कीजिए और अपने मन से देखिए कि कितने सही आते हैं और कितने नहीं। तो चलिए पॉज, मुझे लगता है कि आपने सभी के आंसर लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेना है, उसके बाद जो बॉक्स होता है उसमें जो शब्द होते हैं उनके मीनिंग समझ लेना है और उसके बाद आपको पत्र पूरा करना है, तभी आपको अच्छी तरह से मार्क मिल सकेंगे, पूरे मार्क मिल सकेंगे। तो उसमें प्रैक्टिस करना जरूरी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए, मनोयोगेन मतलब ध्यान से मन लगाकर, योग्यः मतलब योग्य, प्रथम मतलब फर्स्ट, अध्यापकः मतलब शिक्षक, आंग्ल भाषायाः तो अंग्रेजी भाषा के, का के की मतलब ये षष्ठी विभक्ति एकवचन है, इसलिए जो भी मीनिंग हमें सही लगेगा का के की में से वो लेंगे। नमो नमः नमस्कार, तत्रास्तु वहा हो, विद्यालयस्य ये भी षष्ठी है तो का के की, विद्यालय का, विद्यालय की, विद्यालय के, जो भी सही लगेगा वो ले लेंगे। मुजफ्फरपुरम ये एड्रेस है, विद्यालय स्कूल। तो चलिए अभी इनके मीनिंग समझ लिए हैं, अब हम पत्र पूरा करते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि लगभग सबसे ऊपर हमेशा एड्रेस रहता है। तो यहाँ देखिए, परीक्षा भवनम तो एग्जाम सेंटर, तो क्या है मुजफ्फरपुरम, तो एड्रेस है, किसी भी शहर का नाम रहेगा तो लगभग ऊपर ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है। प्रिय राघव, अभी यहाँ क्या है, राघव को हमें नमस्कार करना है, हे राघव ये संबोधन है तो नमस्कार, तो नमो नमः। उसके बाद अत्र सकुशलम, यहाँ सब कुछ ठीक है, और वहाँ भी रहो, वहाँ भी रहे, इसके लिए क्या है तत्रास्तु, मतलब यहाँ ठीक है वहाँ भी ठीक हो ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ध्यान में रखना है तत्र अस्तु, कभी कभी ऐसे अलग करके आता है और कभी कभी संधि करके आता है तत्रास्तु, तो ये हमेशा ऊपर रहता है, ये भी ध्यान में रखना है। अद्यैव तव पत्रम प्राप्तम, आज ही तेरा पत्र मिला, अहम अस्मिन पत्रे मैं इस पत्र में, वर्णनम कर्तुम इच्छामि डैश डैश वर्णनम कर्तुम इच्छामि, मतलब मैं वर्णन करना चाहता हूँ। तो किसका वर्णन करना चाहता है वो, खुद के विद्यालय का, तो स्वविद्यालयस्य। उसके बाद मम डैश डैश अतीव शोभन अस्ति, मेरा बहुत सुंदर है, तो मेरा क्या सुंदर है, तो अभी विद्यालय की बात कर रहे हैं तो मम विद्यालय अतीव शोभन अस्ति, तो वहाँ विद्यालय आ जाएगा। सर्वे डैश योग्यः सन्ति, सब योग्य है, कैपेबल है, तो कौन है, तो अभी टीचर वहाँ के टीचर होंगे तो उसके लिए क्या शब्द है अध्यापकः, तो इस तरह से हो जाता है। सर्वे अध्यापकः डैश पाठयन्ति, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो कैसे पढ़ाते हैं वो हमें यहाँ बताना है, तो मनोयोगेन मन लगाकर लगन से पढ़ाते हैं। प्रश्नानां समाधानं च कुर्वन्ति, और प्रश्नों के उत्तर भी वो देते हैं। विद्यालय छात्रः डैश सन्ति, और विद्यालय में जो छात्र है वो भी है, वो क्या है तो योग्य है, तो उसके लिए योग्यः। न केवलम अध्ययने क्रीड़ा कार्यक्रमे अपि, मतलब केवल अध्ययन में, केवल पढ़ाई में नहीं तो क्रीड़ा कार्यक्रम में, स्पोर्ट डे में भी, मम विद्यालय डैश अस्ति मेरा विद्यालय है, तो क्या है विद्यालय प्रथमः मेरा विद्यालय पहला है। अस्मिन् विद्यालये सर्वे छात्राः डैश डैश माध्यमेन वार्तालापं कुर्वन्ति, अस्मिन् विद्यालये इस विद्यालय में सभी छात्रों माध्यम से वार्तालाप मतलब बातचीत करते, तो कौन से माध्यम से बातचीत करते तो आंग्ल भाषायाः मतलब अंग्रेजी भाषा के द्वारा, अंग्रेजी भाषा से वो वार्तालाप करते हैं। गृहे सर्व गुरुजनेभ्यः नमः, घर में सभी आदरणीय बड़े लोगों को मेरा नमस्कार। तव मित्रम तेरा दोस्त कौन है धनेशः, तो इस तरह से। तो इस तरह से आज हमने पत्र लेखन का अभ्यास किया है।
अभ्यास मतलब क्या होता है कि आपको रिवीजन करना है, जितने आपको पत्र हो उतने पत्रों की आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि पत्र लेखन जो है वो प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो और भी आप बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, आपके टीचर के साथ कीजिए, घर में बैठकर कीजिए या हमारे साथ जुड़कर कीजिए। धन्यवाद।